बिहार के गया जिले के चाकन थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली पदार्थ, नगद, सोना चांदी बरामद किया है। इस मामले में एक व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चाकन थाना क्षेत्र के चाकन रेलवे स्टेशन बाजार के समीप प्रवेश सिंह के द्वारा नशीले पदार्थ का धंधा किया जा रहा है। इसके बाद एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें चाकन व बेलागंज थाने की पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से प्रवेश सिंह के फर्नीचर दुकान में छापेमारी की गई, जहां से 2.5 किलोग्राम गांजा, 10 पुड़िया हीरोइन, 1 मोबाइल व 1 बाइक जब्त किया गया है। इस मामले में पुलिस ने प्रवेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवेश सिंह के निशानदेही पर पुलिस ने चाकन थाना क्षेत्र के ही चाकन स्टेशन के समीप मनोज कुमार के घर में छापेमारी की, जहां से 7 ग्राम हीरोइन, 1.5 किलो चांदी, 400 ग्राम सोना व 3,79,500 रुपये नगद बरामद किया गया। इस दौरान मनोज कुमार भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। चाकन स्टेशन रोड में प्रवेश सिंह है, उनके यहाँ नारकोटिक्स का कारोबार किया जाता है। इसके बाद जिले के सभी वरीय पुलिस अधिकारी को सूचना दी गई, एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सहायक पुलिस अधीक्षक विजय उत्तर थे और चाकन प्रभारी थे, मेला प्रभारी थे, बेलागंज प्रभारी, इन लोगों के द्वारा रेड किया गया। तो प्रवेश सिंह पिता राम नरेश सिंह के घर से लगभग 10 पुड़िया आपको ये हेरोइन और 2.5 किलो गांजा बरामद हुआ। उनके घर से लगभग 15,000 कैश भी बरामद हुआ, एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई और एक छोटा मोबाइल बरामद हुआ। उनकी गिरफ्तारी भी हुई। उनसे पूछताछ के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि ये सब सामान जो है एक बगल के एक मनोज कुमार सिंह के यहाँ से लाते हैं। पुनः मनोज सिंह के यहाँ से रेड किया गया वहाँ पर, तो वहाँ पर लगभग 7 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ और इसके अलावा 3,89,000 कैश बरामद हुआ, 1.5 किलो के लगभग चांदी की ज्वेलरी बरामद हुई और 400 मिलीग्राम छोटा सा सोने का टुकड़ा बरामद हुआ, जिसका सिंगर बनाया गया। अभी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और दूसरे जो मनोज सिंह हैं उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई।